नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन झंडा भी जलाया। अफगानिस्तान को अपने बलबूते पर कभी खड़े नहीं होने देने की नीति के तहत पाकिस्तान वहां के कट्टरपंथियों और पाक समर्थकों को समर्थन देकर अस्थिरता फैलाता रहता है। इससे वहां के लोगों का जीवन नरक बन गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान के भीतर और बाहर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आवाज अब और तेज हो गई है। पहले पीओके के मुजफ्फराबाद, फिर बलूचिस्तान और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में इसको लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों और उनके ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अफगानिस्तान के हैरात में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को खुलकर समर्थन कर रहा है। हैरात में स्थित पाकिस्तान काउंसलेट के बाहर विरोध करने वालों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा भी फूंका और यूएई के 5 डिप्लोमेटों की हत्या के लिए जिम्मेदार तालिबान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। इससे पहले पाकिस्तान द्वारा तालिबान आतंकियों को बढ़ावा दिए जाने के खिलाफ अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया था। बाद में पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। इस ग्रुप को रावत सब्ज़े अफगानिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। शुक्रवार को हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान इन प्रदर्शनकारियों ने अफगानिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तालिबान के साथ मिलकर इस तरह के हमले करवा रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान पहले से ही तालिबान का समर्थन करता आया है, लेकिन वर्तमान में रशिया ने भी तालिबान का समर्थन कर क्षेत्र में अशांति फैला दी है। तालिबान ने पिछले दिनों अफगानिस्तान में बड़ा हमला कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में यूएई के 5 डिप्लोमेट भी मारे गए थे। बीते मंगलवार को कंधार में यह हमला उस वक्त हुआ था जब एक गेस्ट हाउस में यूएई राजदूत की वहां के गवर्नर और पुलिस चीफ के बीच एक अहम बैठक चल रही थी। इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए थे। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तुर्की एयरलाइंस का मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 16 मरे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। अमेरिका ने कहा कि चीन की वजह से भारत NSG का सदस्य नहीं बन सका। खादी इंडिया के कैलेंडर पर तस्वीर से नाराज है नरेंद्र मोदी, हो सकती है कार्रवाई। कांग्रेस के टिकट पर अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू।